Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. विदेश में प्रभास की साहू को नेगेटिव रिव्यू, क्रिटिक्स ने बताया बोरिंग। प्रभास की मल्टी स्टारर फिल्म साहू का दर्शकों को पिछले 2 साल से इंतजार था। बुधवार को साहू की यूएई में स्क्रीनिंग हुई, वहां मौजूद फिल्म क्रिटिक्स ने साहू को 4 स्टार दिए और एक्शन थ्रिलर मूवी की जमकर तारीफ की। पॉजिटिव फीडबैक के बाद अब साहू को लेकर नेगेटिव रिव्यू भी सामने आ रहे हैं। विदेश से आए इन रिव्यूज में क्रिटिक्स ने साहू को बोरिंग बताया है। एक इंडियन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रभास की साहू की नेगेटिव रिव्यू की है। प्रभास की हिंदी डबिंग, श्रद्धा कपूर की परफॉर्मेंस और मूवी की लंबाई की आलोचना की है। वहीं यूएई के फिल्म क्रिटिक का कहना है कि साहू का रन टाइम ज्यादा है, मूवी में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, कहानी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। फिल्म के स्क्रीन प्ले और विलन की शिकायत करते हुए क्रिटिक ने साहू को बोरिंग बताया है। ये भी कहा कि फिल्म को सिर्फ प्रभास और हैवी एक्शन सीन्स के लिए देखा जा सकता है। सेंसर बोर्ड के एक मेंबर ने साहू के पहले हाफ को एवरेज और सेकेंड हाफ को बेहतर बताया है, प्रभास को पसंद किया है और 30 मिनट के क्लाइमेक्स एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की है, लेकिन फिल्म के गानों, कहानी, रन टाइम और वीएफएक्स के खराब क्वालिटी पर निराशा भी जताई है। हालांकि दुबई के जर्नलिस्ट उमेर संधू ने साहू फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पहला रिव्यू, प्रभास और श्रद्धा कपूर की शानदार केमिस्ट्री, एक्शन फिल्म की यूएसपी है, प्रभास के स्टंट्स को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, डायलॉग्स शानदार है, मास को एंटरटेन करने के लिए 4 स्टार। साहू भारत में 30 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का सुपर हिट होना मेकर्स के लिए काफी अहम है। फिल्म को देश भर में 10,000 स्क्रीन्स मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।